नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फैंटेसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में पहला जो टेस्ट मुकाबला होने वाला है उस मैच के बारे में, क्या कहानी होने वाले है। और दोनों टीमों का स्क्वाड डिक्लेयर हो चुका है, ड्रीम इलेवन पे ये मैच भी ऐड हो चुका है। सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, किसको रखना है अपने टीम में, कौन से इस मैच में फ्लॉप होने वाले हैं, कौन से चलने वाले हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक प्लेयर के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा क्या कहानी रहेगा, किसको ड्रॉप करना है, किसको रखना है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट, इस ग्राउंड का जो कहानी है ना वो बहुत जबरदस्त वाला होने वाला है। और भाई इंडिया टीम का तो भाई गजब का कहानी चल रहा है। अभी T20 खेल रही थी टीम, गजब का टेस्ट खेल रही थी उसमें भी गजब का। अब देखते हैं न्यूजीलैंड को अब क्या कहानी रहने वाला है, सारा वो डिस्कस करेंगे, पूरे वीडियो में बने रहना, ठीक है। चल आगे बात करते हैं मैच का। पे सबसे इंपॉर्टेंट आप ये जान लो भाई, 16 अक्टूबर को 9:30 बजे सुबह में ये मुकाबला होता हुआ दिखेगा। तो मैच होने वाला है जबरदस्त, पहला टेस्ट ये होने वाला है। किस ग्राउंड पे होने वाला है? तो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु इंडिया में यह मुकाबला होता हुआ दिखेगा। लास्ट वाला जो यहाँ पर मुकाबला खेला गया था, देखो लास्ट वाला जो यहाँ पर टेस्ट का मुकाबला खेला गया था ना, 2022 में खेला गया था, मतलब 2 साल पहले खेला गया था, ठीक है। वेदर रिपोर्ट जहां तक मैंने चेक किया था वहां तक तो क्लियर है भाई, कोई बारिश की संभावना इस मैच में तो मुझे नहीं देखने को मिली है। आगे बात करते हैं कि लास्ट वाला जो मुकाबला इस ग्राउंड में खेला गया था ना 2022 में, टेस्ट का, T20 वनडे का मैं नहीं बात कर रहा, टेस्ट का बात कर रहा, तो उस ग्राउंड पे जब मैच ये हुआ था तो किसके किसके बीच में हुआ था? इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेला गया था। और उसमें देखोगे ना तो इंडिया 252 पे 10 विकेट पे मतलब बना गई थी टीम, जीत गई थी इंडिया की टीम ही, और श्रीलंका यहाँ पर 109 पे 10 विकेट। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर पेसर को कितना विकेट मिला था और स्पिनर को कितना विकेट मिला था। तो पेसर को मिला था फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट, और स्पिनर को मिला था फर्स्ट इनिंग्स में 8 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पर स्पिनर का बोलबाला बहुत जबरदस्त है। अब देखो यार, फर्स्ट इनिंग्स में 1 ही विकेट मिला है, स्पिनर को 8 विकेट मिल रहा है। सेकंड अगर देखोगे ना सेकंड इनिंग्स में, तो उसमें देखो पेसर को 1 विकेट और 3 विकेट और स्पिनर को 8 विकेट और 7 विकेट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर स्पिनर का बोलबाला बहुत जबरदस्त रहने वाला है। जैसे रविंद्र जडेजा रहेंगे, अश्विन रहेंगे, ये सारे यहाँ पर बहुत ज्यादा कमाल करते हुए आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो तो टोटल यहाँ पर जो विकेट गिरा था ना फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट पेसर को और 10 विकेट सेकंड इनिंग्स में, अच्छा खासा स्पिनर को यहाँ पर विकेट मिल जाता, सीधा सीधी बात आप ये समझ लो। टोटल फर्स्ट इनिंग्स में 18 और 20 विकेट पेसर और स्पिनर मिलाकर के मिला था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल मुकाबला कितना खेला गया टेस्ट का इस ग्राउंड पे, 24 मुकाबला। जो पहले बैटिंग करती है टीम 10 मुकाबला जीती है, जो बाद में बैटिंग करती है टीम 5 मुकाबला जीती है। ड्रॉ यहाँ पर 9 मुकाबला रहा है और 358 स्कोर यहाँ पर आपको आसपास देखने को मिलता है। मतलब हर मैच में, हर इनिंग्स में 358 तो बनेगा ही बनेगा भाई, इसके ऊपर ही स्कोर जाता हुआ आपको दिखने वाला है। तो ये ध्यान रखे चल लेना, कहानी जबरदस्त वाला रहने वाला है। अब मेरे हर वीडियो में गिव अवे रहता है, तो उसमें पार्टिसिपेशन के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हैशटैग आपको IND vs NZ लिख देना। अगर आपका जवाब सही हो गया तो आपको आराम से 200 रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा उसका नाम लिख देना, और सबसे ज्यादा विकेट कौन निकालेगा उसका नाम लिख देना। अगर आपका जवाब सही हो गया तो वीडियो देख करके काम बन जाने वाला है, जो कि इस वीडियो देख करके आपको समझ में आ ही जाने वाला है भाई, ठीक है। अब चलो अब बात करते हैं कि हेड टू हेड मुकाबला ये दोनों के बीच में, जब जब ये दोनों भिड़ी है ना टीम, तो कौन सी टीम ज्यादा जीती है, कौन सी टीम कम जीती है वो देख लेना। तो 62 मुकाबला ये दोनों के बीच में मुकाबला खेला गया है, 22 मुकाबला इंडिया की टीम जीती है और 13 मुकाबला यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम जीती है। तो यहाँ पर पल रहा तो भैया इंडिया टीम का ही भारी रहने वाला है, तो ये देख के चलना, समझ के चलना, ठीक है। जीतने के चांसेस भी 60% मेरे अकॉर्डिंग इंडिया के रहने वाले हैं, 40% न्यूजीलैंड के। टेलीग्राम से अगर नहीं ज्वाइन हुए हो तो इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं इंडिया टीम के स्टैट्स के और प्लेयर के बारे में। तो यहाँ पर देखोगे तो कंटिन्यूअसली टीम अभी जितने भी टेस्ट का मुकाबला खेली है सारे कंटिन्यूअसली जीत के ही आ रही है टीम, ठीक है। अभी बांग्लादेश से ही रिसेंट खेली थी। अब इनका देखो उस मैच में इनका प्लेइंग 11 किस तरह से रहा था, और ये सारे बंदे खेलते हुए भी आपको देखने वाले हैं विथ प्लेइंग 11। अब यहाँ पर देखो तो कौन कौन से है, यशस्वी जायसवाल है, रोहित शर्मा कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे, फिर सुमन गिल आते हैं, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह आपको वाइस कैप्टनसी करते हुए दिखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो सारा कुछ कहानी मैंने डिस्कस कर दिया, कौन कौन से इनके बैटिंग ऑर्डर रहने वाले, क्या कहानी रहने वाला है। अब इनके एक एक प्लेयर के बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए कि भैया किसको रखना है और किसको ड्रॉप करना है। अब यहाँ पर ये समझ लो कि मेरा स्टैट्स लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बंदे का फोटो रहेगा, बंदे का नाम रहेगा, बंदे का बैटिंग स्टाइल, बंदे का हेड टू हेड रिकॉर्ड। अगर ये बंदा जैसे ये इंडिया का प्लेयर है ना यशस्वी जायसवाल, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर ये बंदा खेल रखा है तो उसमें क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी मुकाबला नहीं खेला है तो इसलिए मैंने हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं डाला है। टेस्ट इंटरनेशनल में बंदा जितने भी मुकाबला खेला है उसमें क्या क्या कर रखा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, रिसेंट रिकॉर्ड क्या है, और जो भी टूर्नामेंट जिसके साथ भी खेल कर क्या रहा है टेस्ट का
उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस क्या है वो। तो अब ज्यादा फोकस इसके ऊपर बना करके रखना, नीचे वाला टेस्ट का जो परफॉर्मेंस है वो आपको ज्यादा काम करने वाला है। तो ये जैसे अब बात करेंगे, अब मैं डायरेक्ट बात करूंगा कि किसको ट्राई करना है और किसको ट्राई आपको नहीं करके जाना चाहिए। अब डायरेक्टली हर प्लेट का स्टार्ट दिखाने के बाद मैं सीधा हट जाया करूंगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चले जाना, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं, समझते चलते हैं। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। तो जैसे सवाल आते हैं मेरे अकॉर्डिंग बहुत जबरदस्त और 64 का एवरेज लेके घूम रहा है, तो ऐसी तो नहीं है भाई, 11 मैच में जबरदस्त वाला बनने वाला है। और जब से आया है टीम इंडिया का मतलब शानदारी परफॉर्मेंस चल रहा है, इनको आराम से अपने टीम में लेकर चल ही जाना। उसके बाद रोहित शर्मा भैया, देखो बांग्लादेश वाले सीरीज में मैंने जब टेस्ट का वीडियो बनाया था ना, अभी वीडियो इस चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर के देख लेना। उसमें मैंने बोला था कि रोहित शर्मा फ्लॉप होगा भाई, बांग्लादेश के खिलाफ इनका अच्छा खासा चलता ही नहीं है कहानी, ठीक है। तो वहां पर फ्लॉप होता है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ ये बंदा जबरदस्त करता हुआ दिखेगा। 53 का एवरेज है, 43 का एवरेज इनके टेस्ट में चलता है, और खास करके न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खासा चलता है। और देखो जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था उसमें फ्लॉप ही रहा था भाई, लेकिन इस मैच में टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खासा आपको खेलता हुआ दिखेगा, 100% परफॉर्मेंस करेगा, अपने टीम में लेके जाना। नेक्स्ट आता है सुमन गिल, इनके ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट रहता है, बंदा चलेगा न चलेगा, 36 का एवरेज है, 30 का एवरेज है, इनके ऊपर थोड़ा सोच विचार करके रखना। हालांकि 119 का पारी खेल गया था, लेकिन वो बांग्लादेश की टीम थी भाई, ये न्यूजीलैंड की टीम है, पानी पिला जाएगी इनको, समझ रहे हो। तो जबरदस्त वाला कहानी रहने वाला है, देख के चलना, समझ के चलना। मेरे अकॉर्डिंग तो अभी के लिए तो मेरा जगह नहीं बन रहा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कहानी देखते हुए चलना भाई क्या कहानी है। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, 45 का एवरेज और 48 का एवरेज, इनको कौन नहीं जानता यार, जबरदस्त वाले खिलाड़ी हैं। रिसेंट अभी जितने भी खेले हैं उसमें भी ठीक ठाक इनका परफॉर्मेंस रहा है, नो डाउट अपने टीम से ड्रॉप मत करना, लेके जाना अपने टीम में, ठीक है। उसके बाद ऋषभ पंत, इनके ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट है, बता 3 मैच खेला है न्यूजीलैंड के खिलाफ और 17 का एवरेज है, मतलब परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका नहीं दिखा, तो इनके ऊपर थोड़ा सोच विचार करके रखना। अगर इनसे बेटर अगर विकेट कीपर में अगर सामने वाले होंगे तो फिर उनको ट्राई कर लेना, वरना फिर इनको ड्रॉप करके जा सकते हो। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्डिंग का अच्छा नहीं है, ठीक है। केएल राहुल भैया आते हैं, 35 और 34 अभी तक तो कुछ जलवा नहीं भी खेलवा है, अब देखते हैं क्या होता है इस मैच में। हालांकि मेरे से पूछोगे तो मैं इनको अभी के लिए तो मैं नहीं रखने वाला हूं अपनी टीम में, तो थोड़ा सोच विचार करके रख लेना, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसा अच्छा लगे, स्टैट्स मैंने यहां पर लिख दिया है। चलो आगे बात करते हैं रविंद्र जडेजा, और इस ग्राउंड के भैया खिलाड़ी हैं ये, समझ रहे हो, मतलब इस ग्राउंड पे यार नहीं कर पाए तो भैया क्या ही कर पाएंगे। तो बहुत जबरदस्त वाले हैं, 36 का एवरेज है, 35 का एवरेज इनका न्यूजीलैंड के खिलाफ है, और 8 मैचों 25 विकेट भी निकाला भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो बहुत जबरदस्त वाला है। और इनके फेवरेट पिच बनने वाले हैं, स्पिनर को जहां पर मदद रहता है खास करके टेस्ट में, तो वहां पर रविंद्र जडेजा और अश्विन को ड्रॉप कर रहा है, खतरों से वाली बात हो जाएगी, मतलब नहीं रखना, ठीक है। तो इनको अपने टीम में 100% लेके जाना। नेक्स्ट आते हैं रविचंद्रन अश्विन, इनका देख लो भाई 9 मैच 66 विकेट, बहुत जबरदस्त। और लास्ट वाले जो भी बांग्लादेश के खिलाफ खेला ना उसमें शतक भी मार गया यार, 113 रन का पारी के लिए प्लस 6 विकेट भी निकाल गया, मतलब जबरदस्त वाला खिलाड़ी बनने वाला है, 100% इस ग्राउंड के लिए ही बना है, इंपॉर्टेंट है अपने टीम में लेके जाना। आकाशदीप थोड़ा सा मुझे देखने लायक रहेगा, हालांकि बॉलर बहुत जबरदस्त है, लेकिन कहानी यहां पर स्पिनर को थोड़ा ज्यादा मदद मिलता है, तो ये थोड़ा ध्यान लेकर चल लेना। 3 मैच में 8 विकेट है, तो स्पिनर को ही यहाँ पर अच्छा खासा विकेट मिलता है, तो ये सोच के चलना भाई, मैं अभी के लिए उनको नहीं रखूंगा। मोहम्मद सिराज है, 1 मैच खेला है, 3 विकेट निकाला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, मैं इनको भी अभी के लिए तो मैं नहीं रखने वाला हूँ अपनी टीम में, ठीक है। तो ये सोच के चलना, समझ के चल लेना, मैं अभी के लिए नहीं रखने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पर स्पिनर को यहाँ पर मौका मिलता है। अब जसप्रीत बुमराह भाई, स्पिनर को मदद है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं बनता है, बुमराह आपको जबरदस्त वाला परफॉर्मेंस करके देगा, हर मैच में देता है, तो भैया इनको 100% अपनी टीम में लेके चले जाना, जबरदस्त वाला खिलाड़ी है, 3 मैच खेला है, 6 विकेट निकाला है, और यहाँ पर विकेट निकालेगा कोई पेसर तो वो जसप्रीत बुमराह ही निकालेगा इस ग्राउंड पे, तो ध्यान रखे चल लेना, ठीक है। अब चलो इसके बाद सारे बेंच के प्लेयर कौन कौन से खेलते हुए आपको दिखेंगे वो मैं बता देता हूँ। ध्रुव जुबेल खेलने के चांसेस इनके कम रहेंगे, 63 का एवरेज इनका, उसको बताते हैं सरफराज खान 50 का एवरेज इनका, ये भी चांसेस कम बनेगा इनको खेलने का। उसके बाद आते हैं कुलदीप यादव, हो सकता है आकाशदीप के या फिर मोहम्मद सिराज के प्लेस पे आपको कुलदीप यादव खेलते हुए दिख जाए, बिकॉज यहाँ पर स्पिनर का मदद है भाई, तो देख के चल लेना, ठीक है। अक्षर पटेल इनको भी मिल सकता है, हालांकि 62 का एवरेज है इनका, न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत तगड़े वाले खेलते हैं यार ये, और 9 विकेट भी इनका 2 मैच में, समझ रहे हो, जबरदस्त वाले खिलाड़ी है, तो देख लेना, जगह बनेगा तो 100% मेरी टीम में रहने वाला है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे बड़ा गलती आप यहीं पे कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई कि कौन सी टीम है, न्यूजीलैंड की टीम के बारे में। कंटिन्यूअसली टीम अभी टेस्ट का मुकाबला हारी थी टीम, अब इनका देखो प्लेइंग 11 किस तरह से रहने वाला है। तो टॉम लथम यहाँ पर आपको कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे, इससे पहले वाले मुकाबले में टीम सऊदी कर रहे थे, बट यहाँ पर टॉम लथम आपको करते हुए दिखेंगे। फिर डेविन कॉनवे आते हैं, केन विलियमसन, टर्चिल रविंद्र, डैडी मिचेल, टॉम ब्लेंडल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंडर, टीम सऊदी, विलियम ओरॉर्के और एजाज पटेल, यही सारे बंदे आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं विद प्लेइंग 11। और इनके अलावा जो 3-4 बंदे और हैं उनके बारे में भी मैं बता दूंगा। अब डायरेक्टली बात करते हैं किसको ट्राई करना है, किसको ट्राई करना है। मैं कंफ्यूज हूं भाई कि टॉम लथम को रखूं या फिर ऋषभ पंत को रखूं।
बंदा इनका 39 का एवरेज है और इंडिया के खिलाफ इनका 32 का एवरेज, तो ठीक ठाक खेल जाता है। तो देख के चल लेना, दोनों भी ओके ओके प्लेयर है, जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसको रख लेना और बाकी ड्रॉप कर देना, ठीक है, ये ध्यान रख के चल लेना। अब बात करते हैं डेविन कॉनवे का, 36 का एवरेज है, 39 का एवरेज है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ खास आपको यहाँ पर करता हुआ दिखेगा, तो आप इनको ड्रॉप ही करके चलो, मेरे टीम में नहीं रहने वाला है। रिसेंट रिकॉर्ड अभी इनके परफॉर्मेंस वगैरह कुछ खास अभी अच्छे चल नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद कैन विलियमसन, इनको भैया कैसे ड्रॉप कर दोगे आप, समझ रहे हो, 54 का एवरेज इनके ओवरऑल टेस्ट इंटरनेशनल में, 37 का एवरेज इंडिया के खिलाफ है, जबरदस्त खेलता है, रिसेंट रिकॉर्ड भी इनके 143-43-55-30 अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे जा रहा है, अपने टीम में ट्राई करके ही चलना। रचल रविंद्र आते हैं, देखो एक तो स्पिनर फ्रेंडली पिच है भाई, यहाँ पर इनको बॉलिंग 100% मिलने वाला है और बॉलिंग करेगा तो शायद विकेट भी निकाल सकता है, 2 मैच में 3 विकेट है, 17 का एवरेज है, हालांकि बैटिंग से ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ खास करेगा, हालांकि भी 39 और 92 का पारी खेला है भाई, अभी रिसेंट वाला ही खेला है जिससे टेस्ट मुकाबला खेल करके आई टीम, तो ध्यान देकर के चल लेना, जगह बनेगा तो ट्राई कर लेंगे, ड्रीम 11 में सिलेक्शन में इनका हाई है। डेरी भी चलाते हैं, 46 का एवरेज है, टेस्ट में अच्छा खासा खेल जाता है, हालांकि अभी रिसेंट इनके कुछ खास मैचेज अभी जो बीते हैं उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो देखने लायक रहेगा, और खास करके एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पे थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बॉलिंग से ज्यादा मैं इनसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ और बैटिंग से उतना ज्यादा कुछ खास करेगा नहीं, तो इनको ड्रॉप ही करके चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं टॉम ब्लेंडर, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ खास करने वाला है, तो इनको आप आराम से ड्रॉप करके चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, ये बंदा ठीक ठाक रहेगा, बंदा बैटिंग कर लेता है बॉलिंग कर लेता है, 35 का एवरेज है, 22 विकेट है, हालांकि इंडिया के खिलाफ अभी एक भी मुकाबला खेला नहीं है भाई टेस्ट का, समझ रहे हो, तो जबरदस्त वाला खिलाड़ी है, 71-5 विकेट 49-2 विकेट, हर मैच में कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस किया जा रहा है और अच्छा खासा ये आपको बनेगा, ड्रॉप करने का बिल्कुल ही मत लेना, अपने टीम में ले ही के जाना। मिचेल सैंडर है, इनको भी जगह पर बनेगा भाई, बिकॉज स्पिनर को जहां पर मदद है, और सैंडर को ड्रॉप कर दोगे तो कहानी जबरदस्त बन जाएगा, 3 मैच में 10 विकेट है, 26 का एवरेज है, इंपॉर्टेंट है, बैटिंग से भी ठीक ठाक चल जाता है, रिसेंट रिकॉर्ड भी इनके ठीक ठाक ही चलता है। टीम सऊदी देखेंगे, जगह बनेगा तो इनको ट्राई करेंगे, हालांकि इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खासा बॉलिंग कर लेता है भाई, 11 मैच में 52 विकेट है, समझ रहे हो, तो देख के चलेंगे, समझ के चलेंगे, अगर जगह बनेगा तो फिर ट्राई करेंगे, जगह नहीं बनेगा तो फिर भैया कैसे ट्राई करेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद आते हैं विलियम और के, मुझे लगता है ज्यादा कुछ खास करने वाला है, इनको ड्रॉप ही करके चलना, हालांकि अभी जो रिसेंट इनका बीता है ना भाई, 5 विकेट 4 विकेट 5 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, सारा इनका कहानी जो है ना धागा खोलने वाला है इंडिया के टीम वाले, मतलब इंडिया के प्लेयर वाले, ठीक है, तो ध्यान देकर चल लेना। चलो एजाज पटेल आते हैं, 18 मैच में 70 विकेट इनका, 3 मैच में 17 विकेट है, खास करके इंडिया के खिलाफ जबरदस्त वाला खेल जाता है, 100% मेरे टीम में रहेगा, जबरदस्त वाला खिलाड़ी बनेगा और अच्छा खासा पिक बनने वाला है आपके लिए, एजाज पटेल को ड्रॉप मत करना इस मैच में, ठीक है। और इसके बाद आते हैं सारे बेंच के प्लेयर, माइकल ब्रेसवेल खेलने के चांसेस इनके कम रहेंगे, मार्क चैपमैन देखो हो सकता है इनका डेब्यू हो जाए इस मैच में, 42 का एवरेज है, अभी तक एक भी मुकाबला खेला नहीं है, ये फर्स्ट क्लास टेस्ट का इनका रिकॉर्ड है, मतलब डोमेस्टिक टेस्ट का, तो ध्यान रख लेना, मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। मैट हेनरी हो सकता है इनको मौका मिल जाए, 2 मैच में 6 विकेट है, 25 मैच में 95 विकेट है, अगर खेलेगा भी तो विलियम और ओरके के प्लेस पे ही खेलेगा। उसके बाद बेन सिक्स कुछ खास नहीं बनेगा, विलियम भी कुछ खास नहीं बनने वाला है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखो बात आती है ना कि भैया जो टीम बनने वाली है हमारी वो किस हिसाब से मैंने ले रखा है किसको किसको, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने विकेट कीपिंग में ऋषभ पंत को रख लिया, बिकॉज देखो मैं कंफ्यूजन में हूँ, टॉम लेथम, आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि टॉम लेथम को लेकर जाना चाहिए, ऋषभ पंत को लेकर जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बैटिंग से रोहित शर्मा, विराट कोहली, केन विलियमसन को रखा है, जयसवाल को भी मैंने ले रखा है भाई, ठीक है। ऑलराउंडर से मैंने रविंद्र जडेजा, अश्विन को मैंने रखा है, ग्लेन फिलिप्स को भी रख लिया है, और बॉलिंग से मैंने टीम सऊदी जसप्रीत बुमराह और एजाज पटेल को मैंने रख लिया है, कैप्टन मैंने जडेजा और वाइस कैप्टन मैंने रविचंद्रन अश्विन को दिया है। अब इसके अलावा जो भी मैं चेंजेस करूंगा, मैं टेलीग्राम बता दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर लेना, अगर आपको लगता है कि आप खुद से टीम बना सकते हो, पूरा वीडियो जो मैंने बताया है सारे स्टैट्स वगैरह, अगर आपको लगता है कि आप खुद से जानकार हो, समझ सकते हो, तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप खुद से टीम बनाओ, ज्यादा बेटर चांसेस रहेगा आपके जीतने के। अगर उसके बाद नहीं समझ में आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए मदर ट्रिक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद।